everyone, welcome to our channel EME Technologies. Subscribe our channel and hit the bell icon for latest updates. This is the best time to make yourself productive. So feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पीएलसी सॉफ्टवेयर में आरएस लॉजिक्स 500 में हमारा फोर पोल स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम कैसे बनाएंगे। बेसिकली ये हमारा लेटर लॉजिक का प्रोग्राम है जो आपके सामने आरएस लॉजिक्स 500 में बना हुआ है। इसको हमने लिंक किया हुआ है आरएस लिंक्स गेटवे से, क्लासिक गेटवे, और एम्यूलेट किया एम्यूलेटर से। यहाँ पे हमने वो फाइल रन कर रखी है ट्रैफिक लाइट वाली, जो यहाँ पे हमारी ओपन है। आफ्टर दैट ये है हमारा स्काडा का सिमुलेशन। बेसिकली स्काडा जो है वो हमारा एनिमेशन के लिए यूज होता है, जो हमने इस टाइम यहाँ पे कर रखी है। तो ये हमारे पोल्स हैं, फोर पोल्स, और ये डेंसिटी। बेसिकली ये जो है ये स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम है कि जिस टाइम पे ये डेंसिटी हमारी इस पोल की इंक्रीज होगी, तो जब ये लाइट ग्रीन होगी, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा टाइम के लिए ग्रीन रहेगी, अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा टाइम के लिए ग्रीन रहेगी। बेसिकली ऑल ओवर टाइम सेम रहेगा। ये जो रेड का टाइम है वो इससे गैदर कर लेगा और उस टाइम पे इस ग्रीन का टाइम बढ़ जाएगा और ये रेड का टाइम कम हो जाएगा। तो इससे हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहले तो सबसे पहले इसे चला के देखते हैं। इसमें मैंने ओपीसी सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर रखा, वो आप सिस्टम चैनल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपको बताता हूँ। चलिए इसे ऑनलाइन जाते हैं। इसमें तो यहाँ पे हमारा जो टाइमर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम आरएस व्यू 32 में जाते हैं। तो ये इस टाइम बाकी सभी लाइट्स ग्रीन है, रेड है और ये वाली ग्रीन है। ओके, तो इसी तरह से ये हमारा चलेगा सिस्टम। जब ये ग्रीन हटेगी तो ये रेड जो है वो ऑफ हो जाएगी, एक एक करके चलेगा, और आफ्टर दैट येलो, देन ग्रीन। तो इस तरह से हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा। अगर इसकी डेंसिटी मैं इस टाइम पे बढ़ा दूं, ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह काम करेगा। डेंसिटी हमने एक बार बढ़ाई और घटा दी तो इसका टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी ये रेड लाइट है इसका टाइम बहुत कम हो जाएगा और आपको अज्यूम भी नहीं हो पाएगा उस टाइम पे कि कितना कम होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डेंसिटी वाला पार्ट है उसने काम किया। ओके, तो चलिए इस पे देखते हैं। ये हमारा आरएस लॉजिक्स का प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने एक स्टार्ट बटन बनाया, उसकी लैचिंग कराई आउटपुट के थ्रू। ये जो आउटपुट है हमारी उसके थ्रू हमने लैच कर दिया। ये हमने एक स्टॉप बिट क्रिएट की हमारे सिस्टम को स्टॉप करने के लिए। आफ्टर दैट जो ये आउटपुट थी उसी से हमने एक टाइमर ऑन, बेसिकली ऑन करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट हमने क्या इसमें सिर्फ एक ही टाइमर यूज़ किया जो बाकी सभी आउटपुट्स को हमारी कंट्रोल करेगा वाया कंपेयर इंस्ट्रक्शंस। तो इस आउटपुट से हमने इस टाइमर को ऑन कर दिया। बेसिकली इसमें तीन बिट्स होती हैं, एक डन बिट, एक एनेबल बिट और एक टीटी बिट। डन बिट तब हाई होगी जब हमारा प्रीसेट जो है वो वन जितनी वैल्यू तक एक्यूमुलेटर और प्रीसेट की वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी, जब हमारी एक्यूमुलेटर की वैल्यू 120 पहुंच जाएगी जो हमने एक प्रीसेट वैल्यू सेट किया, तो हमारी डन बिट हाई हो जाएगी। एनेबल बिट हमारी स्टार्टिंग से ही हाई रहेगी। और टीटी बिट का काम होता है कि बेसिकली वो स्टार्टिंग में एनेबल बिट की तरह ही काम करती है, जब हमारी डन बिट हाई होगी तो टीटी बिट लो हो जाएगी उस टाइम पे। तो ये काम है टीटी बिट का। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने लिमिट इंस्ट्रक्शंस लगाई हैं दो,
जिसकी हमने दो वैल्यू सेट की हैं, 0 to 19 एंड 31 to 120। इस पोर्शन में ये जो हमारी आउटपुट है रेड वाली लाइट की वो ऑन रहेगी। यहाँ पे हमने ग्रीन वाली जो हम हमारी ग्रीन है वो उसके लिए एनसी कि जब हमारी ग्रीन वाली लाइट फर्स्ट फर्स्ट पोल पे ग्रीन वाली लाइट ऑन रहे तो उस टाइम पे ये रेड वाली ऑन ना हो, क्योंकि हमने बेसिकली इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी लगाया जो हमारा ये काम करेगा कि जब तक हमारा ये रेड वाली लाइट ऑन है तो ग्रीन वाली ऑन ना हो, जब तक ग्रीन वाली ऑन है तब तक रेड वाली ऑन ना हो, क्योंकि हम उसके उससे हम मैनुअली भी इंक्रीज कर पाएंगे वो वाला टाइम जो हमारा ग्रीन वाली लाइट का है। अगर वो इंक्रीज हो गया तो उस टाइम पे ये रेड वाली रेड भी हो सकती है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमने यहाँ पे ये ग्रीन लाइट ऑन कर दी एनसी स्विच लगा के। ओके तो इसके बाद हमने यहाँ पे दो लिमिट स्विच लगा रखे हैं जो हमारे दो अलग अलग टाइम पे हमारी आउटपुट को हाई करवाएंगे। आफ्टर दैट EQU, ये EQU इंस्ट्रक्शन इसलिए है ताकि जब हमने एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो हमारी 20 तक पहुंच जाए तो जब 20 होगी उस एक सेकेंड इंस्टेंट के लिए हमारी येलो लाइट ऑन होगी। बेसिकली ट्रैफिक लाइट में होता क्या है कि येलो लाइट हमारी थोड़े टाइम के लिए एक या दो सेकेंड के लिए ही ऑन होती है, यहाँ से हम EQU इंस्ट्रक्शन से हम इसे ऑन कर पाएंगे। यहाँ पे हमने NC स्विचेस के थ्रू हमने तीन अलग अलग लाइट्स लगा रखी हैं 3, 4, 2, क्योंकि 1 तो ये वाली है ही है, जब हमारी 1 ग्रीन लाइट ऑन होगी तो उस टाइम पे तो ये नहीं होगी, बट कुछ चांसेस हैं कि हमारा जब हम सेंसर के थ्रू आउटपुट दें तो ये येलो लाइट भी उस टाइम पे ऑन हो जाए, तो हम NC स्विचेस के थ्रू उस चीज को बचाने के लिए हम ये तीन बिट्स NC स्विचेस के थ्रू लगा सकते हैं। ऐसा ही हमने नीचे भी उन्हीं स्विचेस पे लगाया हुआ हमारी ग्रीन लाइट को प्रिवेंट करने के लिए, इसमें भी हमने लिमिट दिया 21 से लेके 30 तक की। ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू को ही फेच कर पाएगा, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 21 से लेके 30 तक रहेगी तो ही हमारी जो आउटपुट है वो हाई रहेगी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे डेंसिटी के लिए कन्फिगर किया। डेंसिटी में हमने क्या किया कि हमने एक अलग इनपुट ले ली डेंसिटी को जो हमारी सेंसर की इनपुट होगी, और उसके पैरेलल में हमने बाइनरी लगा दी। बाइनरी हमने इसलिए लगाई है ताकि हम हमारे स्काडा सिस्टम के साथ इंटरफेस कर सकें। स्काडा सिस्टम में हम जो इनपुट वाला पार्ट है वो हम डायरेक्टली इंटरफेस नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम यहाँ पे बाइनरी यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी में मैं आपको दिखाता हूँ, जब इसका टैग हम यूज़ करेंगे, बेसिकली हमें स्काडा सॉफ्टवेयर में टैग्स यूज़ करने पड़ते हैं तो इसको एडिट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बाइनरी कन्फिगर कर रखी है। ये वही एड्रेस है जो हमने हमारे RS Logics 500 में यूज़ किया था, देखिए वही एड्रेस है जो हमने B3:0/0 और वही एड्रेस हमने यहाँ पे दे रखा, सेम एड्रेस। बेसिकली सेम एड्रेस देने का मतलब यही था कि ये जो बटन हमने स्काडा सिस्टम में कन्फिगर किया, जो हमने बटन स्काडा सिस्टम में कन्फिगर किया वही बटन हमारा कंट्रोल करेगा हमारे RS Logics की इनपुट को। तो यहाँ से हमने इनपुट को कंट्रोल किया और हमारा एक और टाइमर 10 सेकंड का टी ऑफ जो ऊपर हमने यूज़ किया था वो था टी ऑन। बेसिकली इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि टी ऑन जो है वो अपनी डन बिट तब हाई करेगा जब हमारी एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट के इक्वल हो जाएगी, और टी ऑफ हमारी स्टार्टिंग में हाई रखेगा, और जितने जब हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट के इक्वल आएगी तो डन बिट हाई हो जाएगी हमारी। टी ऑफ का ये काम है, तो हमने इसीलिए टी ऑफ यूज़ किया कि हमें एक सेंसर की वैल्यू और एक डिले मिल जाए हमारी ग्रीन लाइट के लिए, तभी इससे आगे जाएगा ये लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो जब इसके बाद जाएगा तो ही हमारा अलग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी। ऐसे ही हमने बाकी सभी के लिए भी फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे दे सकते हैं आप लिमिट के लिए अलग दो लिमिट्स यूज़ किए हैं, ये बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमारी किस टाइम पे रेड लाइट ऑन हो और किस टाइम पे ग्रीन लाइट ऑन हो। ओके तो इसी तरह से हमने हमारे RS Logics का प्रोग्राम यूज़ किया हुआ। आफ्टर दैट इन द एंड हमने T40 को T40
जो हमारा सबसे पहला टाइमर था T40, ये हमारा T40 है, उसी की डन बिट से हमने T40 को रीसेट कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा इनफाइनाइट लूप में ये प्रोग्राम चलता रहेगा। रीसेट, हमने टाइमर को रीसेट कर दिया तो उसके एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और उसी की डन बिट, जब उसकी डन बिट हाई होगी मतलब प्रीसेट वैल्यू इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर वैल्यू, तो उस टाइम पे हमारा T40 रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना जो सारा प्रोग्राम है वो बना सकते हैं RS Logix 500 का। आफ्टर दैट आते हैं हम स्काटा पे। इसमें मैंने बताया ये जो डेंसिटी 1, डेंसिटी 2, डेंसिटी 3, डेंसिटी 4, ये हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग बटन्स बनाने होते हैं। बेसिकली इसे मैं डिलीट करके बताता हूँ आपको कि कैसे बनाया जाता है। यहाँ से हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो बटन जो है वो हम इस ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हमने बटन क्रिएट किया, रेज्ड जैसा आप चाहें वैसा रख सकते हैं, एक्शन सेट। तो यहाँ से हमें टैग क्रिएट करना, तो टैग जो है वो आप देख सकते हैं हमने ऐसे क्रिएट किया, नेम इसको 2 दे दिया। ये हमारा डिजिटल टैग होगा जिसपे हम विजिबिलिटी लगा पाएंगे। ओके, इस पे हम विजिबिलिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो हमारी ट्रैफिक लाइट की नोड क्रिएट किया वो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें OPC सर्वर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम चैनल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेटवर्क टाइप में DH485 डेटा हाईवे 485 हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैसेज आप कोई भी देख सकते हैं, और एम्यूलेटर के लिए जो हमारा एम्यूलेटर है 500H वो हम सिलेक्ट करेंगे। इसे ओके करने के बाद एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोड क्रिएट कर रखी है, ट्रैफिक लाइट DH485 जो हमारा वर्किंग प्रोटोकॉल है। और यहाँ से हमें स्टेशन, जो स्टेशन नंबर जिस स्टेशन पे हमने हमारा कनेक्ट किया, ये हमारा RS लिंक्स का जो प्रोटोकॉल है वो ओपन हो गया। यहाँ से हम PLC हमारी सिलेक्ट कर सकते हैं 01। तो यहाँ से आप अपना स्टेशन सिलेक्ट करोगे, टाइप SLC5 एनहेंस्ड, और टाइम आउट सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड्स रख सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट करना होगा, तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा, ये आपका OPC सर्वर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने OPC सर्वर जो है वो कनेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट ये जो बटन है वो क्रिएट करना हमें, रेज्ड एक्शन सेट टैग 2, ये टैग मैंने आपको बता दिया था। इसमें बाइनरी हमने कलेक्ट किया, नोड नेम जो हमारा रहेगा जो हमने OPC सर्वर में सिलेक्ट किया, यहाँ से आप ब्राउज करके सिलेक्ट कर सकते हैं उसे, ट्रैफिक लाइट्स। ओके, तो इस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर पाएंगे। आप अपीयरेंस कर सकते हैं डेंसिटी 2, और इसका जो कलर है वो ग्रीन, फॉन्ट जो है वो तो ब्लैक ही रखेंगे हम, और इसे ग्रीन कर दें, सॉरी ग्रीन। ओके, तो ये हमारा बटन क्रिएट हो गया। अब ये बटन हमारा जैसे बाकी के बटन्स है वैसे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब ये जो है ट्रैफिक लाइट का पोल, ये मैंने ग्रुप कर रखा है, इसे अनग्रुप करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अनग्रुप। तो जैसे ही इसे अनग्रुप करेंगे ये देखेंगे आपके सभी के सभी पोल्स अलग अलग, सभी लाइट्स अलग हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इसकी एनिमेशन देखते हैं। इस पे मैंने विजिबिलिटी ऑप्शन लगा रखी है। विजिबिलिटी, ये बेसिकली ये काम क्या करेगी कि जब तक हमारा ये रेड 1 टैग है जो वो हाई रहेगा उस टाइम पे हमारी ये विजिबल रहेगी, जिस टाइम पे लो हो गया तो उस टाइम पे ये लो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड 1 जो है हमारा टैग है वो हमारी आउटपुट को शो कर रहा है। ये वही आउटपुट है जो हमने RS Logix 500 में, जो हमारी रेड 1 की आउटपुट थी, ये वाली आउटपुट। ओके, यही हमने हमारे RS Logix RS View 32 में कॉन्फ़िगर कर दी। ऐसे ही हमने बाकी सारी रेड 2 जो है उसमें सेकंड वाली रेड लाइट की
कॉन्फ़िगरेशन कर दी और डिजिटल टैग लिया है हमने। ये नोड नेम जो है वो आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्राउज करके उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपीसी सर्वर है बेसिकली। ओके, तो इस तरह से आप अपने स्काडा में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो अलग अलग लाइट्स के लिए, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और बटन्स को जो हमें एक बार सेट करना पड़ेगा और एक बार रीसेट करना पड़ेगा। अब आप अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें हमने रीसेट कर रखा किसको, 4 को, और इसमें इस वाले बटन में हमने कर रखा सेट कर रखा किसको, 4 को। सेम बटन हम अगर मोमेंट्री ऑन यूज करते तो एक ही बटन से काम हो सकता था, बट अभी के लिए हमने अलग अलग बटन्स यूज किए हैं। इसको आप जब प्रेस करोगे तो ये वाली ग्रीन लाइट का टाइम बढ़ जाएगा, इसको प्रेस करोगे तो ये वाली ग्रीन लाइट का टाइम बढ़ जाएगा। इसको प्रेस करने के बाद एक बार इसको भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी एक पल्स जनरेट हो पाएगी बेसिकली, जिससे हम अपन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकेंगे। ओके, होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक अवर चैनल। थैंक यू।